तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus। सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S22 सीरीज ऑलमोस्ट 1 महीने पहले लॉन्च किया है, तो मैं ये फ़ोन को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे इस फ़ोन में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया है। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं गैजेट थेरेपी। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आया है कि सैमसंग ने इस सीरीज़ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। बेसिकली सैमसंग अपने ऑलमोस्ट हर एक फ्लैगशिप फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ नया सिस्टम लाने की कोशिश करता है। तो ये जो फ़ोन S22 सीरीज़ है इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, जो उसका S21 सीरीज़ है जो कि काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी हिट हुआ था, S20 से S21 सीरीज काफ़ी अच्छा चला था, इनफैक्ट S21 अल्ट्रा काफ़ी हिट हुआ था, तो उन्होंने उसी को ही प्रॉपर और उन्होंने अच्छा डेवलप किया है जो कि बहुत अच्छी चीज़ की हुई है। जैसे कि मैं बताऊं कि सबसे पहले तो जैसे S21 सीरीज में उन्होंने जो बैक पैनल दिया था प्लास्टिक दिया था, मतलब आप फ्लैगशिप फ़ोन खरीद रहे हो और आपको बैक पैनल मिल रहा है प्लास्टिक, तो यहाँ पे उन्होंने अपने पूरे S22 सीरीज में उन्होंने ग्लास पैनल लगाया है और बिलीव मी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, उसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका है। तो पहले तो मैं अगर इसके बॉडी की बात करूँ, फिजिकल लुक की बात करूँ, तो डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम प्रीमियम फ़ोन है, फ्लैगशिप फ़ोन है, बहुत ही प्रीमियम लुक लगता है और एक ग्लास बैक की वजह से एक्चुअली इसका लुक काफ़ी चेंज हो गया है। आपको समझ में आएगा कि ये प्लास्टिक नहीं है, हाथ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं इसके पहले S10 Plus यूज़ कर रहा था, तो S10 Plus बेसिकली बहुत कर्व फ़ोन थे, बट उन्होंने ये जो फ़ोन है उन्होंने रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाया है, बिल्कुल भी कर्व नहीं है, पूरा बॉक्सी टाइप का फ़ोन आपको ये लगेगा। इसमें सैमसंग आपको 3 कलर दे रही है, फैंटम वाइट, फैंटम ब्लैक और एक ग्रीन कलर दे रही है। मेरा फेवरेट ब्लैक है इसलिए मैं हमेशा ब्लैक के लिए जाता हूँ। अगर मैं इसके बटन्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल बटन्स की बात करूँ, तो राइट हैंड साइड में उन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर दे दिया है और उसी के नीचे यहाँ पे पावर बटन है। लेफ्ट हैंड साइड में हम बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो ऊपर की तरफ उन्होंने सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दे दिया है और वही नीचे की तरफ बात करो तो यहाँ पे उन्होंने स्टूडियो स्पीकर दिया हुआ है, टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका मेन माइक्रोफोन दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे उन्होंने सिम ट्रे दे दिया है। तो ये सिम ट्रे जो है ये आपको बता दूँ ये ड्यूल सिम है, मतलब यहाँ पे उन्होंने हाइब्रिड नहीं दिया, मतलब आप यहाँ पे एक्सपांड नहीं कर सकते हो। तो फ़ोन लेने के समय आप देख लेना कि आपको कितना GB स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो आगे तो इसमें आपको 2 वेरियंट मिलते हैं, रैम आपका सेम है 8 GB और स्टोरेज की बात करो तो 128 GB और 256 GB। तो जैसे बताया कि आप एक्सपांडेबल नहीं है तो आपके यूसेज के हिसाब से आपको 128 के लिए जाना है, 256 के लिए जाना है, वो आप ज़रा ध्यान दे लेना। और प्लस में जैसे बताया कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक लग रहा है और इतना ही नहीं, जो जो इसका बॉडी है साइड से वो एल्यूमिनियम बिल्ट है तो उसके वजह से भी काफ़ी प्रीमियम लुक आता है और हाथ में होल्ड करने के लिए भी बहुत सुपर्ब है, ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्लिप नहीं हो रहा है फ़ोन मेरे हाथ में। और जो बैक है जो ग्लास मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी लग रही है कि आपको यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट आपको नहीं दिखेगा, कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आपको दिखेंगे, तो बहुत ही क्लीन आपको यहाँ पे देता है। वैसे भी नॉर्मली लोग कवर लगाते हैं, बट अगर कवर नहीं भी लगाया तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ भी गंदगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। तो आगे मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसका डिस्प्ले है 6.6 इंच फुल HD+। एक्चुअली ये S22 Plus से थोड़ा छोटा है, S22 Plus में 6.7 इंच था, यहाँ पे उन्होंने 6.6 इंच उसको कर दिया है। कॉर्निंग ग्लास विक्टर्स प्लस प्रोटेक्टिव डिस्प्ले के साथ आता है, इन्फिनिटी और डिस्प्ले है इसका और 120 Hz का रिफ्रेश रेट है जो कि एडाप्टिव देता है यहाँ पे। LTPO जो LTPO स्क्रीन जो है उन्होंने सिर्फ अल्ट्रा में ही सीमित रखा है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने S22 Plus में नहीं दिया है। तो बेसिकली जो एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है आपको 48 Hz से 120 Hz के बीच में ही चेंज होता है और LTPO में आपको फायदा है कि वहाँ पे 10 Hz से वो जाता है 120 Hz पे, तो LTPO स्क्रीन में आपका बैटरी ज़्यादा सेव होगा, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम बैटरी सेव हो रहा है आपका। आगे मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे ये 5G फोन है डेफिनेटली, तो यहाँ पे 16 बैंड ये सपोर्ट करता है 5G के और बाकी कनेक्टिविटी वाईफाई वगैरह सब जो है वो नॉर्मल जो रहता है फोन में वो सब उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे उन्होंने एक विजन बूस्ट करके भी दे दिया है, मतलब अगर ज़्यादा धूप में ज़्यादा सनलाइट में हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन को आप ऑन करोगे तो आपका डिस्प्ले और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, तो आपको सनलाइट में ज़्यादा कड़ी धूप में और क्लैरिटी से दिखता है। फिर मैं आगे इसकी सिक्योरिटी की बात करूँ तो इसका जो टच ID बहुत सुपर चलता है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट दिया उन्होंने यहाँ पे, सेंसर दिया उन्होंने। और अगर मैं इसके फेस ID की बात करूँ तो ये दिन के टाइम में मतलब अच्छी लाइट में तो ये बहुत बहुत ही अच्छा चलता है,
लेकिन वो थोड़ा सा लो लाइट में स्ट्रगल करता है रात के समय स्पेशली, या फिर थोड़ा सा भी लो लाइट हो तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। फिर नेक्स्ट इसकी बात करूँ तो कैमरा की बात करूँ तो जो कि मेन हाईलाइट है इस फोन का, इनफैक्ट आज का सारे स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट कैमरा ही होता है। S22 Plus में और S22 दोनों में उन्होंने कैमरा सेटअप सेम दिया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है। जो पहला कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का 180 डिग्री एंगल के साथ आता है। सेकेंड आपका आता है मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, और तीसरा आता है आपका 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। तो यहाँ पे मैं कैमरे की फोटोज की बात करूँ, देखो यहाँ पे मैंने काफी सारे फोटोज लिए हैं, वीडियोस लिए हैं, पोर्ट्रेट मोड भी लिया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इसका जूमिंग है जो आता है वो आता है 3x तक ऑप्टिकल जूम आता है, और 30x तक ये डिजिटल जूम देता है। अल्ट्रा में आपको 100x का मिलता है, यहाँ पे 30x का मिलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ इसको, और वीडियो में ये 12x तक जाता है। तो कैमरा क्लैरिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी कैमरा क्लैरिटी इसकी पसंद है। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, काफ़ी इसके जो कलर जो है काफ़ी अच्छा इसका उभर के आ रहा है। नाइट मोड भी इसका बहुत सुपर है, इसको नाइटोग्राफी, वो लोग कैमरा नाइटोग्राफी वर्ड यूज़ करते हैं सैमसंग वाले, तो नाइट फोटोज़ भी इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो जो फोटोज़ है वो आपका 30x तक जाता है। यहाँ पे OIS भी आता है, ऑटो फोकस भी आता है। वही वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे ये 8K शूट करता है 24 फ्रेम पर सेकंड पे, और बाकी 4K शूट करता है वो 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 60 फ्रेम पर सेकंड पे भी शूट करता है। वही स्लोमो की बात करूँ तो ये 960 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करता है HD में, और 240 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करता है फुल HD पे। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो भी शूट किया हुआ है, आप देख सकते हैं सैंपल इसका। तो काफ़ी मुझे कैमरा इसका पसंद आया है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे ये 10 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। तो ये कुछ सैम्पल्स मैंने फ्रंट कैमरा से लिए हुए हैं। तो आगे मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी दिया, जो कि अगेन S21 Plus से कम कर दिया है। S21 Plus में 4800 mAh की बैटरी थी, यहाँ पे उन्होंने 4500 mAh की बैटरी की है। अब इस साइज रिड्यूस करने का रीजन अगेन कुछ ऑफिशियली तो पता नहीं, बट हो सकता है शायद साइज या फिर अंदर इसको थोड़ा सा स्पेस के बिठाने, क्योंकि उन्होंने नया कूलेंट सिस्टम यहाँ पे लगाया है, तो शायद से स्पेस के इशू के वजह से रिड्यूस किया हो। बट ये है कि सैमसंग ने यहाँ पे पहली बार 45 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर दिया है। अभी तक वो 25 वॉट का ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहा था, बट इसमें उन्होंने 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। प्रोसेसर आप सबको पता है कि यहाँ पे उन्होंने पहली बार फ्लैगशिप फोन में स्नैपड्रैगन प्रोवाइड किया है, Snapdragon 8 Zen 1 दिया है। इनफैक्ट मैं खुद ये पहला फोन स्नैपड्रैगन के साथ यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग का फ्लैगशिप फोन। अभी तक जो जितने मैंने यूज़ किए हैं, S10 यूज़ किया है, S8 यूज़ किया है, सब में एक्जोनोस उसका खुद का चिपसेट आता है। और सबको ये पता है कि एक्जोनोस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक्चुअली दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो हीटिंग इशू है, दूसरा बैटरी ड्रेनेज है। और हीटिंग इशू बहुत बड़ा इशू था, मैंने S10 Plus यूज़ किया, सिर्फ मुझे दो सबसे बड़े प्रॉब्लम आए। वो तो पहला डेफिनेटली हीटिंग प्रॉब्लम आया, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था फोन, डर लगता था कई बार फोन से। और दूसरा बैटरी ड्रेनेज, मतलब मैंने दिन में 2 बार, इनफैक्ट कई बार तो मुझे 3 बार भी चार्ज करना पड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सोनोस नहीं है, स्नैपड्रैगन है। स्नैपड्रैगन थोड़ा ज़्यादा उससे उसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसके वजह से उसका हीटिंग प्रॉब्लम कम है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं इतने काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ोन में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आया, हीटअप बहुत कम हुआ है इनफैक्ट। तो मैं बोलूँगा सैमसंग ने वहाँ पे सुपर काम किया है। लेकिन बैटरी के मैं अगर मैं बात करूँ अगेन, तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया जो कि काफ़ी पावरफुल चिप है, बैटरी का साइज कम कर दिया है, और जो 120 रिफ्रेश रेट है लेकिन वो एडाप्टिव है, मतलब 48 से 120 तक ही जाता है। तो ये सब की वजह से डेफिनेटली बैटरी पे ज़्यादा लोड आ रहा है, और मैं बैटरी के लाइफ से खुश नहीं हूँ। कईयों को मैंने देखा है यूट्यूब पे, कई लोग मेरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि उनको 1 दिन का बैटरी लाइफ मिल रहा है, बट मुझे थोड़ा उससे कम मिल रहा है। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँ तो मुझे दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ रहा है। ये मेरा पर्सनल अगेन एक्सपीरियंस है, आपका यूसेज कितना है वो अगेन आप पे डिपेंड करेगा। अगेन आपको पता है चार्जर वो साथ में नहीं देता है, फ्लैगशिप फोन में उन्होंने हटा दिया, इनफैक्ट ये साल से उन्होंने मिड रेंज में भी हटा दिया है। इसका भी रिसेंटली F-Series A-Series लॉन्च हुआ है, उन्होंने वहाँ पे बैटरी, वहाँ पे उन्होंने एडाप्टर नहीं दिया है, और बिलीव में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया इस मूव को, और हो सकता है कि यही बाकी कंपनियां भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो करें। फोन आप फोन का प्राइसिंग उतना ही है, फोन का प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट आपको अलग से एडाप्टर खरीदना पड़ रहा है। इसका 45 वॉट का चार्जर ही आपको ऑलमोस्ट 3,000 में मिलेगा, जो कि एक्चुअली वायर के साथ आता है, केबल के साथ आता है, बट आपको केबल बॉक्स के साथ भी मिल जाता है। वही अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 12 के साथ आता है,
और सैमसंग सॉफ्टवेयर के मामले में भी बहुत सुपर काम कर रहा है। इनफैक्ट सैमसंग एंड्रॉयड का पहला ऐसा कंपनी बन गया है जो आपको 4 ईयर्स का OS अपडेट देता है और 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देता है, और कोई कंपनी आपको नहीं दे रही। इनफैक्ट गूगल खुद 3 साल का आपको OS अपडेट दे पा रहा है। तो अपडेट के मामले में भी, सॉफ्टवेयर के मामले में भी सुपर काम किया है, और इनफैक्ट जो उसका सिक्योरिटी अपडेट है वो भी प्रॉपरली मिल रहा है। मुझे अप्रैल का, अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, मुझे अप्रैल का अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट आ चुका है। और बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको पता ही है सैमसंग का वन UI है जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो चुका है पहले के मामले में। उन्होंने वन UI में बहुत सुपर काम किया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मुझे एड्स भी नहीं दिख रहे। फ्लैगशिप फोन में उन्होंने एड्स हटा दिए हैं, और काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर ऐप्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे। कुछ उनका जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप है तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऐप्स हैं, और सैमसंग के खुद के जो ऐप्स हैं बस उतने ही हैं। बाकी आपको कोई भी फालतू ऐप्स यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट, पूरा तो क्लीन ही बोलूंगा उसको मैं, ऑलमोस्ट क्लीन आपको UI देखने को मिलता है। तो मुझे जो नेगेटिव चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा लगी वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, वो है बैटरी। और सेकेंडली एक और छोटा सा चीज़ मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, शायद से वो काफ़ी लोगों के लिए मैटर नहीं करेगा, बट वो है वाइब्रेशन मोटर। तो बेसिकली वाइब्रेशन मोटर होता है आपका जेड फॉर्म में, या फिर ऐसा बोलूँ कि वर्टिकल फॉर्म में वाइब्रेट होता है, इंटेंसिटी काफ़ी रहती है। बट यहाँ पे इसका जो मोटर वाइब्रेशन जो है वो एक्स फॉर्म में जो वाइब्रेट हो रहा है। इससे फर्क क्या पड़ रहा है, बेसिकली इससे फर्क ये पड़ रहा है कि आपका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट मेरे फोन में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरा कॉल मिस हुए हैं, मुझे नोटिफिकेशंस मिस हुए हैं, तो मैं फ़ोन जेब से निकाल दो तो ही मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे कॉल आए हैं या फिर मुझे कोई नोटिफिकेशंस आया है। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बस वगैरह में, ट्रेन में, जहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, आवाज़ बहुत रहती है, वहाँ पे अगर आपके पास साउंड भी है ऑन है फिर भी शायद आपको आवाज़ ना आए, और वाइब्रेशन की वजह से भी आपका मिस हो सकता है। और सिर्फ वाइब्रेशन पर रखा तो डेफिनेटली आपके कॉल मिस होंगे, कुछ ना कुछ कॉल मिस होंगे होंगे। तो आई होप सैमसंग इस बात को सुने और इसको वापस से दूसरे फॉर्मेट में ला दे। जैसे तो आप भी मुझे कमेंट में जाके बताइए आपको ये फ़ोन कैसा लगा है, आप इस फ़ोन को लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे। और इनफैक्ट अगर आप ये फ़ोन को अभी लेते हो, प्री बुकिंग में काफ़ी सारे ऑफर्स थे, बट अभी भी अगर फ़ोन को लेते हो तो आपको बड्स 2 मिल जाएगा 3,000 में, जो कि बहुत ही अच्छा डील है। और बर्ड्स टू अगेन बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं और सैमसंग के साथ बहुत सुपर चलते हैं, तो ये भी अच्छा डील है, मिस करने लायक डील नहीं है। उसका लिंक मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपने न्यू वीडियो के साथ।